तो युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जाएंगे लखवीर के पास। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दलित चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लखवीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पल्लवी, ठीक है। सवाल मेरा था लखवीर, जैसा आप बता भी रहे थे, नामों पर तो चर्चा होगी इस बैठक में, लेकिन क्योंकि दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है, आगे की जिम्मेदारियां भी क्या तय की जा सकती हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान में सत्ता और संगठन सामंजस्य से बैठा कर काम करे, इसलिए सरकार भी प्रभावी हो और संगठन भी प्रभावी हो, यह आलाकमान का फोकस है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में तमाम जो प्रकल्प हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मोर्चे हैं, उनमें भी फेरबदल करना है, उनकी भी कार्यकारिणियां घोषित करनी है। स्वाभाविक तौर पर प्रदेश के संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और जैसा कि मैं पहले बता भी रहा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है या लोकसभा चुनाव के बाद बदला जाता है, लेकिन बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा ये तय हो गया है। ऐसे में साफ तौर पर रणनीति इसी बात पर बन रही है अंदर बैठक में कि मंत्रिपरिषद में ऐसे कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, कौन मंत्री बनने के काबिल हैं, जो कि न केवल सूबे की अशोक गहलोत सरकार, जिस प्रकार से विफलताएं जो पिछले 5 साल में गिनाई, जो जब बीजेपी विपक्ष में थी तो अशोक गहलोत सरकार की जो विफलताएं गिनाकर सरकार में आई है, चाहे वो दलित उत्पीड़न हो, चाहे वो महिला अत्याचार हो, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पेपर लीक हो, इन तमाम मुद्दों पर प्रभावी रूप से काम हो, इन तमाम मुद्दों पर रिजल्ट दिया जाए प्रदेश की जनता को अगले 6 महीने 1 साल में, ये इस सरकार का उद्देश्य होगा। इसी लिहाज से स्क्रूटनी भी की जाएगी मंत्रिपरिषद में कि ऐसे कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, ऐसे कौन से वो मंत्री पद के लिए काबिल विधायक हो सकते हैं, जो कि उन तमाम विफलताओं पर काम करेंगे प्रभावी रूप से और रिजल्ट देने का काम करेंगे। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब प्रचार कर रहे थे राजस्थान में, तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी गारंटी को सबसे ठोस और मजबूत गारंटी बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब है काम होने की गारंटी, गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे। और ये बीजेपी का पैट स्लोगन भी हो गया है उन सभाओं के बाद से, और बीजेपी आगे बढ़ी भी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से ही। ऐसे में साफ तौर पर जिन विफलताओं के आधार पर पिछले 5 साल हमलावर थी बतौर विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब पक्की गारंटी, और इन्हीं को पहुंचाने का काम बीजेपी के नेता कर भी रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, अब लखवीर बताइएगा कि क्या बैठक शुरू हो चुकी है क्या? बिल्कुल, इस बैठक में अपेक्षित तमाम नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं, और इस बैठक का विधिवत शुभारंभ हो भी गया है। ये बैठक अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शुरू हो गई है, जिसमें पहले तो साफ तौर पर तमाम जो प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा, उनका आभार जताया जाएगा, और क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनी है। हालांकि बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी राजस्थान में कि 130 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन इतनी आई नहीं, क्योंकि करीब 10 बीजेपी के बागी ही चुनाव जीत कर आ गए। तो उन तमाम पॉसिबिलिटीज पर भी मंथन संभव है इस बैठक में कि आखिरकार वो क्या कमियां रही कि बीजेपी की सीटें कम रही, आखिरकार वो क्या कमियां रही कि हम हमारे बागियों को मना नहीं पाए और वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत कर आ गए। और साफ तौर पर कई सीटों पर तो बीजेपी के आधिकारिक जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हो गई, सांसद देवजी पटेल अपनी जमानत नहीं बचा पाए, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दामाद और पूर्व मंत्री नरपत सिंह राज भी चित्तौड़गढ़ से अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ऐसे में कई नेता हैं जो अपनी जमानत भी सुरक्षित नहीं कर पाए। ऐसे में पार्टी चाहेगी प्रदेश के नेताओं से जवाब कि क्या कारण रहे टिकट वितरण, क्यों हम अच्छा नहीं कर पाए। बीजेपी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कहते भी हैं कि अगर टिकट वितरण ठीक तरीके से होता तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, हमारी सीटें और बढ़ती, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हम में हुई, कमियां रह गई। हालांकि हमारी सरकार अब आ गई है, अब सरकार अच्छे तरीके से कैसे काम करे ये हमारा उद्देश्य है, हमारा संगठन कैसे प्रभावी तौर पर मजबूत पूरे प्रदेश में दिखाई दे ये हमारा फोकस है। और निश्चित रूप से इस बैठक में चर्चा यही होगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद में कौन कौन नेता शामिल हों। ये पार्टी चाह रही है रणनीति तैयार करना, खाका तैयार करना। तो क्या उस चूक को, उस गलती को सुधारा भी जाएगा लखवीर? अब क्या बीजेपी से बागी होकर के जो नेता चुनावी रण में उतर चुके थे, ताल ठोक गए थे, जीत कर सामने आ चुके हैं, क्या उन्हें साधने की अब कोशिश की जाएगी?
लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, वैसे तो बीजेपी के विधायक दल के पास पूरा बहुमत है, 115 सीटें हैं। ऐसे में विधायक, जो निर्दलीय विधायक हैं, उनसे संपर्क तो साधा गया था, लेकिन क्या उन्हें उनका समर्थन लिया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी सामने आएंगे, फिर लोकसभा चुनाव भी हैं, और ऐसे में उनका रिप्रेजेंटेशन काफी मायने रखेगा, क्योंकि तमाम लोग अच्छे मैंडेट से चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत भी गए, लेकिन अब क्या वो पार्टी के साथ नजर आएंगे, क्या बीजेपी को समर्थन देंगे? हालांकि वो निर्दलीय हैं तो स्वाभाविक तौर पर निर्दलीय ही रहेंगे, लेकिन समर्थन किसी भी दल को वो दे सकते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी को समर्थन देंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पार्टी चाहेगी कि ये तमाम लोग बीजेपी को समर्थन दे, क्योंकि बीजेपी के विचार परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये तमाम नेता हैं, बीजेपी के तमाम ओहदों पर भी रहे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता माने जाते हैं। हालांकि टिकट कट गया तो चुनाव लड़े, लेकिन आज भी इनकी जो श्रद्धा है वो बीजेपी के विचार के प्रति है। लखवीर, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, पहुंच चुके हैं सीएम भजनलाल, और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद है। मंथन किया जा रहा है, बैठक शुरू हो चुकी है। बताते चले, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं, वहां पर मंथन किया जा रहा है। और जैसा कि लगातार हमारे संवाददाता लखवीर इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हो, बता रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक में मंथन जो है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मंथन लखवीर क्या इस बात पर भी किया जाएगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगला राजस्थान में कौन होगा, जैसा कि आप बता रहे थे कि संभावनाएं हैं कि बदला जा सकता है? लखवीर जी, देखिए, ये तो निश्चित हो गया है कि बीजेपी के प्रदेश संगठन में बदलाव साफ तौर पर होंगे। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा, कोई नया प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेगा, चाहे और वो प्रदेश अध्यक्ष जो होगा वो मूल ओबीसी या फिर दलित आदिवासी तबके से ताल्लुक रखने वाला होगा, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर तमाम जो आलाकमान है वो मंथन करेगा, तमाम दिग्गज नेता मंथन करेंगे, और उसके बाद ही राजस्थान भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है, इस बात को लेकर दिलचस्पी है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा चुनाव से पहले बदला जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद बदलाव किया जाएगा, क्योंकि करीब 6 महीने ही हुए हैं सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में चुनाव करवाया गया, उनके नेतृत्व में प्रदेश का चुनाव हुआ, लेकिन प्रदेश का चुनाव हुआ और सरकार भी आ गई, 115 सीटें आई, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद का बूथ हार गए, खुद की विधानसभा हार गए, और वहां से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े चंद्रभान सिंह आख्या, करीब 10,000 वोटों से चुनाव जीत गए। ऐसे में ये उनके लिए सेटबैक है, ये उनके लिए थोड़ा निराश करने वाली खबर है। हालांकि सीपी जोशी वो चेहरा है जो कि बिना किसी क्रेडिट की होड़ में पूरे प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में नजर आए और बीजेपी सरकार बने, इसके लिए उन्होंने कई संकल्प भी लिए थे और साफ तौर पर बिना किसी विवाद में पड़े काम भी किया। हालांकि जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के हो गए हैं, ब्राह्मण तबके से आते हैं, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो कि खुद ब्राह्मण हैं, ऐसे में साफ तौर पर उन्हें अब इस पद से इस्तीफा देना होगा नैतिकता के आधार पर, और किसी अन्य व्यक्ति को पार्टी का आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष पद से सुशोभित करेगा और नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त जल्द किया जाएगा। हालांकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होना सुनिश्चित हो गया है ऐसा नजर आता है, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष क्या लोकसभा चुनाव से पहले बनाया जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद बनाया जाएगा, ये सबसे कैबिनेट विस्तार को लेकर के बैठक हो रही है, तो जरा बताइएगा कि सियासी गलियारों में क्या है। पहले फेज की बात करें तो कितने लोगों का नाम सामने आ रहा है? देखिए, बीजेपी के आलाकमान इस वक्त मंथन इसी बात पर कर रहे हैं कि मंत्री परिषद में कौन कौन चेहरे शामिल किए जाएं, पहले कितने लोगों को इस मंत्री परिषद में शामिल करवाया जाए, और साफ तौर पर कहा जा सकता है करीब 1.5 दर्जन लोग या 2 दर्जन लोग पहले विस्तार में साफ तौर पर मंत्री परिषद में शपथ ले सकते हैं। करीब 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, अन्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, आगे जो नेता छूट जाएंगे उन्हें बोर्ड आयोग की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है जो कि गैर विधायक हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, नेताओं की बड़ी फौज है, और कई नेता ऐसे हैं जिन्हें टिकट की उम्मीद थी जिन्हें टिकट नहीं दी गई, कई नेता ऐसे हैं जिनकी सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे में
उन तमाम नेताओं को भी बोर्ड आयोग का चेयरमैन बनाया जाएगा, ये निश्चित है। बोर्ड आयोग की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, इससे किसी प्रकार की कोई दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टी चाहती है कि तमाम जो नेता, तमाम जो कार्यकर्ता, जो विचारनिष्ठ हैं, जो कि पार्टी के लिए समर्पित है रहे पिछले 5 साल, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में दिया जाए, चाहे उन्हें बोर्ड आयोग का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए, या फिर जो विधायक जीत कर आए हैं उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल करवाया जाए। नजर इस बात पर है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा किन किन नेताओं को मिलता है और किन जाति बिरादरी तबकों से आने वाले लोगों का, किन क्षेत्रों से आने वाले लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, इस पर नजरें होंगी। क्योंकि एक चूक बीजेपी से हुई है, हमने देखा कि भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर से चुनाव जीत कर आए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दिया कुमारी जयपुर शहर की विद्याधरनगर सीट से चुनाव जीत कर आई, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दूदू सीट से चुनाव जीत कर आए प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो जयपुर जिले और जयपुर संभाग से ही आते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। ऐसे में अन्य क्षेत्रों को, अन्य जिलों को कैसे बैलेंस किया जाए, ये प्रभावी तौर पर बीजेपी का फोकस होगा, बीजेपी के आलाकमान का फोकस होगा। क्योंकि अन्य क्षेत्रों से आने वाले विधायकों को, वरिष्ठ नेताओं को भी लखवीर इस बार के चुनाव में तो महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि गृह विभाग को लेकर के क्या कुछ रूपरेखा देखने को मिल सकती है। लखवीर, बहुत अच्छा सवाल है पल्लवी आपका, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार गृह विभाग जो है, गृह मंत्रालय जो है, वो क्या मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखेंगे या फिर किसी वरिष्ठ विधायक को, वरिष्ठ नेता को गृह मंत्रालय सौंपा जाएगा। क्योंकि बिगड़ती कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, बतौर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया तुष्टिकरण को, महिला अपराध को, महिला अत्याचार को, दलित उत्पीड़न को, तो इन तमाम मुद्दों पर गृह मंत्रालय बेहतर मॉनिटरिंग करे। इसलिए देखने वाली बात होगी कि नाम किन किन का सामने निकल कर आता है। लखवीर, नजर बनाए रहेगा क्योंकि बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर है ये। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।